वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। देखिए, आपको मेरे पीछे डब्बे डुब्बे दिख रहे होंगे ना, ये किचन का सामान है जो मैंने यहाँ रखा हुआ है। हालांकि कल रात को मैंने और मुनीश ने मिलकर अपना किचन सारा क्लीन कर दिया हुआ है, बस उसमें वो सामान जो है ना सेटअप करना है। तो मैंने सोचा इस सामान को मैं अच्छे से साफ करके ही सेट करूँगी धीरे धीरे। कोई बात नहीं, 3-4 दिन लग जाएंगे धीरे धीरे तो कोई बात नहीं। लेकिन कल रात को हमने किचन अच्छे से साफ़ कर दिया था तो खाना बनाने लायक तो वो हो गया है। तो कल रात को हमने डिनर उसी में प्रिपेयर कर लिया था और सुबह ब्रेकफास्ट भी और लंच भी। तो और ये सामान मैं अच्छे से साफ़ करके ही रखूँगी। और आज विनायक का इंग्लिश का एग्ज़ाम था, पता नहीं कैसा हुआ होगा। वैसे स्कूल से घर वापस आ चुका है वो और मैं उससे पूछ रही हूँ कैसा हुआ है, तो बोलता मम्मा पंजाबी का ज़्यादा अच्छा हुआ था, इंग्लिश का इतना अच्छा नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या करके आया है, अब रिज़ल्ट आएगा तभी पता लगेगा। जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आता ना तो मेरे को ना टेंशन होती है, पता नहीं क्या लिखा होगा उसने। और देखो ये क्या कर रहा है, ये कहाँ बैठा हुआ लड़का, क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, बस और कोई काम नहीं है। एग्ज़ाम कैसा हुआ इंग्लिश का? अच्छा हुआ है। पक्का? हाँ। पहले तो बोलते पंजाबी से ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। चलो तो ठीक है ना विनायक, मजाक कर रहे थे, लग जाएगा पता रिजल्ट आएगा तो। अच्छा जल्दी से टीवी देखो, अब थोड़ी देर में निन्नी करेंगे हम। मम्मा अगर मुझे कुछ आता नहीं है तो मैम ने बोल दिया ना, तो डोंट नो ये लिखा ना, अगर आपको आता नहीं तो ब्लैंक तो छोड़ दो पर लिख दो आई डोंट नो। अच्छा मैम ने ऐसे बोला? और अगर आता है तो मत लिखो। अच्छा मैम चेक करती है साथ साथ में बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे ऐसे घूमती है। डू नॉट क्रॉस। अच्छा फिर आप लिख रहे थे तो मैम आपने लिखा कि आई डोंट नो लिखा? इसमें आया था मीनिंग वर्ड। हाँ आया था। नहीं मम्मा पूछ रही है अभी आपने हुगे? नहीं सुनो मेरी बात मम्मा आपसे क्या पूछ रही, सुनो मम्मा आपसे ये पूछ रही है कि आपने क्या लिखा फिर आंसर्स के नीचे, आई डोंट नो या आंसर्स लिखे? ऊपर वाले फर्स्ट स्टार्टिंग में मुझे याद किया पर वर्ड मीनिंग आए थे ना वो नहीं आया। मैंने मुझे ये चीज दो चीज आए, नंबर वन ब्यूटीफुल, नंबर टू क्या था? कितने क्वेश्चंस में आई डोंट नो लिखा? एक ही क्वेश्चन में, बाकी सारे आंसर्स लिखे हैं। अरे पर एक आया था इसमें एक सेंटेंस आया था, होम आया था नंबर वन, नंबर टू रिबन, नंबर थ्री तो फिर आपने मेक कर देने थे। देखिए शाम रात हो चुकी है, मुनीश जी ऑफिस से आ चुके थे, इन्होंने कपड़े चेंज कर दिए थे और अभी इनको अपने ऑफिस से फ़ोन आया कि इनकी एक बिज़नेस मीटिंग है, इनके बॉस का फ़ोन आया था और बस अब ये जा रहे हैं फिर से। है मुनीश? अब ये जा रहे हैं, अब ये आएंगे 10 बजे तक। इनकी मीटिंग जो थी ना ये पहले से ही फिक्स थी लेकिन ना किसी वजह से ये पोस्टपोन हो गई थी, लेकिन फिर से उन्होंने टाइम पे कर दी तो ये घर आ गए थे, अब इनको फिर से जाना पड़ा। तो कोई नहीं थोड़ी देर में आ जाएंगे, बोला 1-1.5 घंटे की बात है फिर आ जाऊँगा मैं, और फिर डिनर भी वहीं पे होगा इनका। तो चलो फिर मैं और विनायक, और जब मैं और विनायक अकेले होते हैं ना तो हम क्या खाते हैं, क्या खाते हैं विनायक, क्या खाते हैं हम कुछ ऐसे ही बना लेते हैं और फिर हम वो और खा लेते हैं। अगर आपने मुझे अगर ब्लॉग का वीडियो शो करना बंद कर दिया देखना। तो आज हम जा रहे हैं एक बार फिर से मंडी, और हम ना इस बार दूर वाली मंडी जा रहे हैं क्योंकि ना मेरा घूमने का मन भी था, अंदर बैठ बैठ के ना बोर हो गए थे। तो आज मुनीश को वैसे छुट्टी थी, पूरा दिन उन्होंने रेस्ट की और थोड़ा बहुत काम भी किया हमने मिलजुल के, और अब शाम होगी। शाम क्या देखो आप बाहर देख सकते हो मेरे पीछे कितना अंधेरा हो चुका है, लेकिन अभी बजे 7 ही हैं। और तो हमने सोचा चलो जाके आते हैं मंडी, जाके आते जाना ही होता है तो नज़दीक ही जाते हैं, थोड़ी दूर चले जाते हैं, हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी इसी बहाने। ड्राइवर हो चुका है रेडी। और ये मेरा छोटा सा
असिस्टेंट भी है साथ में, ये रास्ते में बताता रहता पापा इसको ऐसे बजाएंगे, ऐसे करेंगे, ये सिग्नल देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, मुझे डर ही लगता है इसको आगे बिठाने में। विनायक मेरे साथ पीछे बैठोगे? कुछ नहीं करूँगा, अब डिपेंड करता है वो करेगा या नहीं करेगा, वो डेली करता है। आधे से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देता अपने पापा को कि पापा हॉर्न बजा देते हैं, सिग्नल लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या। और देखो ये है हमारा ड्राइवर, एक झलक। ₹30 क्या हुआ विनायक, बॉल फेंक दी, गिर गई। ए देखो ये जो सामने बॉल पड़ी हुई है ना, ये विनायक से गिर गई और ये गंदगी में गिर गई है। मैंने सब बॉल ले आया था, इसको कितनी बार बोला भी चॉइस ना लेके आए अपने साथ, और अभी विनायक के हाथ से बॉल गिर गई और वहाँ पे गिर गई कीचड़ में, गिर गई नीचे, गिर गई ना कीचड़ में। अब उठा नहीं सकते क्योंकि पानी भी नहीं है, हाथ भी नहीं धो सकते, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब थोड़ी छोड़ दो, नहीं लेके जाएंगे घर। पास हो गया विनायक, क्या हुआ, क्या चाहिए? देखो पीछे वो, देखो क्या छुपा दी इसने, बच्चा ये बॉल यही रह जाएगी, अब नहीं जाएगी घर, ये अब इसको यही रहने दे मंडी में। ये कितना गंदगी है, मैं तो नहीं उठाती अब क्योंकि हाथ किससे धोएंगे, पानी भी नहीं है। रहने दे यहाँ पे, वो जो डॉगी सोया हुआ है ना नीचे, वो खेल लेगा इसके साथ, ठीक है। मम्मा बोलती है अपने आपको कितनी बार बोलती है कि आप घर से आते हो बाहर तो टॉयज नहीं लेके आने, बोलती है ना मम्मा कि टॉयज नहीं लेके आने बोलती है। मंडी से सब्जियां लेने के बाद हम आए हैं शेक पीने। चलो जी आ गया, इस बार मैं पीऊंगी पपाया, पपाया शेक। अब विनायक पी रहा है वैनिला शेक, दिस इज पपाया।